ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, यानी कि हमारे एक पर्टिकुलर रिव्यूअर के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ये कि क्या किसी मैरिड वुमेन से अफेयर रखने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज अपनानी पड़ती हैं हमें या नहीं। तो आपको बता दें, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है, यानी कि अडल्ट्री को क्राइम की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई पर्सन किसी महिला से अफेयर करता है, यानी कि किसी मैरिड वूमेन से अफेयर करता है, या उसकी कोई मैरिड वूमेन किसी पर्सन से अफेयर करती है, तो वो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इनके लिए हमें कोई फॉर्मेलिटीज अपनानी पड़ेंगी। तो आंसर ये है कि इसके लिए हमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं अपनानी पड़ेंगी, यानी कि कोई भी हमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना पड़ेगा, कहीं हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आना पड़ेगा कि हमारा उस पर्टिकुलर वूमेन से अफेयर है। गॉट इट? तो हमें कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक इफेक्ट है, इफेक्ट यानी कि इसका आपको एक लाइफ टाइम इफेक्ट है। सपोज आप किसी मैरिड वूमेन से अफेयर करते हो, ओके, और कुछ समय बाद आपको उस मैरिड वूमेन से आपको चाइल्ड होता है आपका पर्टिकुलर, गॉट इट, आपको उससे चाइल्ड हुआ आपका, गॉट इट। तो उस चाइल्ड यानी कि जो वो चाइल्ड है, इलेजिमेट चाइल्ड है, जो आपका बच्चा है, वो आपको प्रॉपर्टी मांग सकता है आपके हक से, यानी कि वो चाइल्ड आपकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकता है, और आपकी भी ड्यूटी बनेगी कि उसको हिस्सा देने की। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो आप उस चीज़ से मना नहीं कर सकते उसको हिस्सा देने की। अब इसके हमें जो प्रोविजंस वो कहाँ पे मिलते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं, मेंटेनेंस की जो कैटेगरीज देखते हैं उसमें ये डिफाइन है, यानी कि हम जब पढ़ते हैं कि कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है, आर यू गेटिंग, तो कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है, तो उसमें आता है ओल्ड पेरेंट्स यानी कि बूढ़े माँ बाप, फिर आता है चाइल्ड, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन दो तरह के होते हैं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, यानी कि नाजायज और जायज। अगर आपका बिना शादी के किसी से बच्चा होता है तो वो आपका नाजायज चिल्ड्रन होता है, और वो अपनी प्रॉपर्टी में राइट ले सकता है, यानी कि अपने नाजायज बाप से अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है, और वो पर्सन उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बस इसका ये इफेक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। बाय।